नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम जिस प्रश्न की यहाँ बात करेंगे उस प्रश्न को पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि 4% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 4% और दूसरी चीज टाइम दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज से अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी SI/CI हमसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कर देंगे। पहले हम SI की वैल्यू निकालते हैं। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, P×R×T/100। ठीक है, P की वैल्यू हमें पता नहीं है, R की वैल्यू है 4, T की वैल्यू है 2/100। 4 से कट करेंगे 25 बार जाएगा, यानी 2P/25। ठीक है, ये हमारा SI निकल के आया। अब हम CI निकालेंगे, P×R/100×(t-1)। P हमें पता नहीं है, 1+R की वैल्यू पता है 4/100²-1। यहां कट करेंगे तो 25 आएगा, 25 एकम 25 एक 26 हो जाएगा। तो 26/25²-1। इसको करेंगे, 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये 676 होता है, और यहाँ 625 होगा -1। आगे सॉल्व करते हैं तो CI बराबर क्या आ जाएगा, P यहाँ 676 -625/625। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, P, इसको जब माइनस करेंगे तो बचेगा 51 और 625। ठीक है, तो यहाँ से हमको SI मिल गया था और यहाँ से हमको CI मिल गया है। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी SI/CI। SI की वैल्यू थी 2P/25, इसकी वैल्यू है P×51/625। पी से पी तो पहले कट जाएगा, ठीक है, 25 से अगर हम काटें तो 25 जा क्या होता है, 625 होता है। तो SI/CI बराबर, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से 2 बच गया और नीचे क्या बच गया, 51/25। ये 25 ऊपर चला जाएगा और 2 में जब उसका गुणा होगा तो क्या बनेगा, 25×50/51, जे हमारा निकल के आ गया। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात कितना आया, 50:51। यही प्रश्न ने हमसे पूछा था कि साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी SI/CI बराबर 50:51, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने बड़े ही सिंपल तरीके से निकाला, जो हमें दिया गया था वो लिख लिया। पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, PRT/100 सॉल्व कर लिया, जो वैल्यू आई वो लिख ली। फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, P×R/100×(t-1), इसको सॉल्व कर लिया, जो भी वैल्यू आई वो यहाँ रख ली। फिर हमने दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया और उसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 50/51। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।